हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जगह दो कटोरी खाई मैंने आज, और रोटी भी वड़ा की खाई। इनके द्वारा बटन मशरूम का उत्पादन वहाँ काफी लंबे समय से किया जा रहा है। आज कपड़े होली के सारे धो दिए, सारा रंग निकल गया होली का आज। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। नई दिन की नई शुरुआत के साथ एक और नई ब्लॉग में स्वागत है। लगातार 5 दिन होली खेलने के बाद पहाड़ के लोग जो हैं काफ़ी थक चुके हैं, और आज पहाड़ी लाइफ स्टाइल के एक और ब्लॉग में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। और पहाड़ी लाइफ स्टाइल का एक ब्लॉग जरूर देखें, आपको पसंद आए। दोस्तों आप देख सकते हैं होली खेलने के बाद लोग एक्चुअली अपनी जो ग्रामीण लाइफ है उस पर लौट चुके हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इधर ही इनके द्वारा पूरा पेड़ काट दिया गया है, और आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आज ये तिमूर का पेड़ काट दिया गया है, और यहाँ पर एक तरफ गौशाला है और दूसरी तरफ भी मकान बना हुआ है, और बंदर आतंक करते हैं यहाँ पर। दोस्तों आप देख सकते हैं दिन के करीब 12 बज चुके हैं, और ये देखिए होली ख़त्म हो चुकी है पहाड़ों में, और लोगों ने फाइनली जो है कपड़े अपने धो दिए हैं। आप देख सकते हैं ये देखिए, ये भी कपड़े धो के आ रहे हैं, और इनका ध्यान अभी साइकिल पर चले गया है, और करण भी आया हुआ है। धो दिया आपने कपड़े? बहुत गंदे हो रहे थे होली का, रंग भी लगा था, साफ करके आज कपड़े होली के सारे धो दिए, सारा रंग निकल गया होली का आज। अच्छा दोस्तों आप देख सकते हैं मैं अभी अपने किचन पे आया हूँ, और आज जो है हमारे रिश्तेदारी से बटन मशरूम आया हुआ है। ये देखिए हमारे रिश्तेदार श्री दिनेश संतोषी जी के द्वारा ये पैदा किया गया है। आप देख सकते हैं इनके द्वारा बटन मशरूम का उत्पादन वहाँ काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है, और लोकल के क्षेत्र में वो वहाँ सप्लाई करते हैं। और फाइनली आज होली का तोहफा मुझे मिल चुका है, और मैं इसको बनाने जा रहा हूँ, और मैं आज आपको इसका पूरा मेथड दिखाने जा रहा हूँ। आप वीडियो में बने रहें। इनके द्वारा घर पे काफ़ी स्वरोजगार का एक अच्छा प्रयास किया गया है, और ये देखिए, और इन्होंने जोरी कोर्ट से ट्रेनिंग लेने के बाद घर में इसका उत्पादन किया है, और काफ़ी अच्छा ये अभी वहाँ लाभ कमा रहे हैं। और दोस्तों आज के डिनर में हम इसकी सब्जी बनाने जा रहे हैं। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं ये बटन मशरूम है, और ये ऑर्गेनिक है, और इसमें किसी केमिकल का प्रयोग नहीं किया गया है, और ये स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभप्रद माना जाता है, और ये रिच प्रोटीन होता है इसमें, और ये कोलेस्ट्रॉल इसमें जीरो होता है, और ये काफ़ी फायदेमंद होता है, महंगा मिलता है, 400 रुपये किलो ये स्थानीय बाज़ार नाचनी में बिक रहा है, और पिथौरागढ़ में भी लगभग इसकी कीमत 300 से 400 के बीच में अलग अलग वैरायटी के हिसाब से है। उन्होंने बलकार की एक पहल नाचनी क्षेत्र में की है, और उन्होंने जोली कोर्ट से इसकी ट्रेनिंग ली हुई है, और उसके बाद उन्होंने करीब 4-5 सालों से लगातार इस क्षेत्र में वो कार्य कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छा उनका भी ये इसका प्रोडक्शन चल रहा है, और उनका जो सीज़न होता है करीब अक्टूबर से फरवरी मार्च तक चलता है, और अभी भी देख पा रहे होंगे आप ये मार्च के महीने लेटेस्ट उनके द्वारा ताज़ा मशरूम आज भेजा गया है, और आज मैं इसका डिनर बनाने जा रहा हूँ। बटन मशरूम के लिए आप उनसे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, और मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन पे उनका नंबर भी डाल रहा हूँ, और आपको इस ब्लॉग के डिस्प्ले पे भी उनका नंबर शो करेगा, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं इजीली, और घर बैठे मशरूम मंगा सकते हैं, और आप ज़रूर मेरा ये ब्लॉग देखने के बाद उनको ऑर्डर कीजिएगा, और आपको ज़रूर फ्रेश मशरूम जो है खाने को मिलेगा। अब मैं इसकी रेसिपी तैयार करने जा रहा हूँ, और इसको एट फर्स्ट इसको गर्म पानी में डाला जाता है, और इसमें 1/2 चम्मच आप हल्दी डालेंगे, और इसको 5 मिनट के लिए इसको उबालना पड़ता है, और उसके बाद इसमें जितनी भी मड लगी हुई है जो गंदगी आप देख रहे हैं इसमें, ये गंदगी साफ़ हो जाती है, उसके बाद इसके छोटे छोटे पीस बना के आप इसकी अगली कार्रवाई मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सो गाइज आप देख सकते हैं इस पर मैंने हल्दी डाल दी है, और मैंने इसको पानी पर डुबो दिया है, और इसको अभी मैं 5 मिनट बॉईल करने के बाद इसको उतारूँगा, और इसके छोटे छोटे पीस बना के फिर मैं आगे आपको इसकी रेसिपी दिखाऊँगा। ये देख सकते हैं दोस्तों फाइनली हरी मटर जो है मेरे द्वारा उबाल ली गई है, और मैं इसकी तैयारी भी लग चुका हूँ, और इसमें हरी मटर भी डाली जाती है, और एक टमाटर और प्याज भी काट दिया है। आप देख सकते हैं इसमें इसकी रेसिपी में तैयारी 5 मिनट होने जा रहे हैं इसको, और ये अच्छी तरह से उबल चुका है, और ये देखिए इसमें जो डस्ट लगी रहती है वो साफ हो जाएगी, और इसको अभी साफ पानी से धोया जाएगा, और फाइनली मैं इसको अब ऑफ करने जा रहा हूँ। ये देखिए तो गाइज आप देख सकते हैं मैं इसको फाइनली तेल में फ्राई कर रहा हूँ कि भूरे हो जाते हैं, इनको निकाल दिया जाता है, और ये देखिए इनका कलर जो है चेंज होने लग चुका है तेल में, इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है। ये देख सकते हैं दोस्तों प्याज को डाल दिया गया है, और काफ़ी बारीक प्याज काटा गया है,
और ये देखिए प्याज को हम हल्का भुनने के बाद जो है इसमें टमाटर वगैरह डालेंगे और इसमें जो है हरी मटर भी डाली जाएगी। प्याज जो है पूरा भुन चुका है और इसका कलर चेंज हो चुका है और ये देखिए अब इसमें टमाटर पड़ेगा। उससे इससे मैंने आप जो है टमाटर मिक्स कर दिया है और टमाटर को गलने तक हम इसको हिलाते रहेंगे। और दोस्तों आप देख सकते हैं टमाटर पूरी तरह गल चुके हैं और मैं इसमें आप जो है बॉइल्ड वाले मटर डालने जा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप। देख सकते हैं इसमें मसाला भी डाल दिया गया है और अब जो है इसमें ग्रेवी वाली मशरूम तैयार की जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं मसाला पूरी तरह पक चुका है और ये पूरी तरह ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब जो है इसमें जो हमने फ्राई की रूम ये मैं डालने जा रहा हूँ, देख सकते हैं। अब इसको मसाले के साथ में मिक्स करने जा रहा हूँ। और दोस्तों आप अपने स्वादानुसार इसमें नमक और मसाले बढ़ा सकते हैं। देखिए अब इसको ड्राई भी बना सकते हैं लेकिन आज हम इसको सूप के रूप में बनाने जा रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर रहा हूँ मैं ताकि इसका मसाला जो है मशरूम के हर कोने में पहुंच जाए और इसको थोड़ी देर में एक मिनट के लिए हल्की और मध्यम आंच में थाली रख रहा हूँ इसके ऊपर में। दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली ये तैयार हो चुकी है, रेसिपी तैयार हो चुकी है और ये देखिए मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बटन मशरूम जो है फाइनली तैयार हो चुका है और अब इसको मुझे सर्व करना है। कैसा लगा आपको आज रेसिपी? मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मशरूम की सब्जी जो वैरायटी थी बटन मशरूम, इसका स्वाद कुछ अलग था और ये बहुत महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य के लिए। इसका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। बुजुर्गों के लिए जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता उनके लिए बहुत ही लाभदायक है और अन्य साधारण व्यक्ति के लिए भी बहुत ही लाभदायक है और इसका सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। और मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी रेसिपी जो आपने ये बटन वैरायटी बनाई थी। मैंने और भी वैरायटीज खाई है वैसे मशरूम की लेकिन ये वाली वैरायटी बहुत अच्छी लगी और दो एक की जगह दो कटोरी खाई मैंने आज और रोटी भी बड़ा की खाई। इस टाइम से आप रेसिपी तैयार करने में लगे हो उस टाइम से ये रॉबिन भी अंदर ही को झांक रहा है, आप देख सकते हैं अभी भी अंदर ही को देख रहा है। ये इसकी जीभ देख सकते हैं आप, ये बहुत ही उत्सुक है खाने को। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हेलो ओली कैसी रही आपकी? अरे मस्त हुई है, कोई टेंशन नहीं है, जबरदस्त हुई। आज फोन दिख रहा है आपके हाथ में, फोन कौन सा मॉडल है फोन दिखाओ तो। फोन तो है मतलब दिखाओ एक बार दिखाओ। अरे कीपैड वाला चलाते हो, नेट वगैरह नहीं चलाते हो? एक बार देख लो आप, एक बार इसको मतलब चला दो एक बार। ये एयरटेल की सिम डाल के लाए हुए हैं लेकिन इंसर्ट सिम बता रहा है और ये वैसे ज्यादा चलाती नहीं है लेकिन इस बार इन्होंने रख लिया। पढ़े लिखे नहीं है क्या? हम तो अनपढ़ हैं। आपने कितना पढ़ा स्कूल? छह फेल हो गए। और कौन से स्कूल से पढ़ा था? हम ग्रुप टू और उसमें पढ़े थे। अब उनको किस सन में किया आपने? हम पता नहीं किस सन में हुआ था लेकिन अंदाज नहीं था। संगीत के शौक रखते हैं, संगीत के प्रेमी है ना आप? हाँ प्रेम तो जिंदगी भर में प्रेमी रहेगी। और कोई गाना सुना सकते हैं आप संगीत का? हाँ जैसे कोई पहाड़ी होली सुना दो आज होली की। हम पहाड़ी होली नहीं सुनाएंगे, हम अपना वो सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? अपना एक गाना सुना दो फिर प्यारा सा। खटी मामा मन लगो अपने रूनी गाँव में। वो नहीं सुनाएंगे ना? हाँ वो नहीं सुनाएंगे। क्या सुनाओगे फिर? हम वो सुनाएंगे। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई, सोच में डूबा हुआ दिल है,
ये पहाड़ी गाना सुना। रू मलिका गाठा रूड़ी लखना की लाए तारा नाकी तूने जाली में ता कसी काटू लो रंगी लो चेते सासू सुनाली काली करली सोरा सुना रामारुने आला। फाइनली दोस्तों, ये ब्लॉग जरूर आपको पसंद आएगा, पहाड़ी गाना और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए हमके पास चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।